और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़रा मुल्क की मईशत पर बात कर लें, क्योंकि ये कुछ एक रोशन हुई है ये सूरत हाल, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई है कि शायद स्टाफ जो मुआहदा है IMF के साथ वो जल्दी हो जाएगा। मुजम्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे माशियात हैं, उनसे बात करते हैं। मुजम्मिल साहब छोटा सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, हो भी जाएगा तो क्या सूरत हाल बेहतर हो जाएगी मुल्क की मईशत की? फायदा तो 29 अगस्त को भी मिस्टर इस्माइल ने किया था, उसके बाद जो है हमने देखा कि मईशत संभल नहीं सकी। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन ही है, ये इकोनॉमिक्स का एक अल्फाज होता है। ये इसके सिर्फ IMF से ही, यानी कि मतलब ये कि सिर्फ IMF से ही मुल्क की मईशत जो है पटरी पर नहीं चढ़ती, हुकूमत को अपने कॉल और फेयर में भी अमल दरामद करना पड़ता है, डिसिप्लिन होना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो है पॉलिसी साजी और प्लान बनाना पड़ता है। तो फिलहाल तो वो तमाम चीजें मिसिंग है। और दूसरा भी IMF का आज भी देखे दिन गुजर गया, 9 फरवरी गुजरे हुए, एक महीना होने वाला है, आज 6 मार्च हो गई है, तो इतना वक्त तो लगता नहीं है। ये क्या समझ नहीं आ रहा कि हुआ हुआ है, बीच में क्या खिचड़ी पकड़ी है। IMF को भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि वो शराइत पे शराइत तो लगा रहा है लेकिन मुआहदा अभी भी नहीं है, ऐसा ही पता नहीं ट्रस्ट डेफिसिट कह लें या वो जो है जो सामने नेगोशिएट कर रही है टीम उनकी ना अहलियत है कि वो उनको जो है समझा नहीं पा रही, सब कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि क्या खिचड़ी पकड़ी है। अभी आज अभी रॉयटर्स का बयान आया है, उसमें कहा है कि IMF की जो रेजिडेंट है चीफ एस्टर, उन्होंने डिमांड की है कि जब तक पाकिस्तान दोस्त ममालिक से एश्योरेंस नहीं दिलाएगा कि उनको रकम मिल रही है, उस वक्त तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। अब हुकूमत को इस पे मौका देना चाहिए। और ज़ाहिर दोस्त ममालिक भी ये शर्त डाल चुके हैं कि IMF से मुआहदा जब तक नहीं होता हम भी मदद नहीं करेंगे। अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, देखना ही होगा कि हुकूमत इसको संभाल भी पाती है नहीं संभाल पाती। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मौजूद थे मुजम्मिल असलम साहब। अब देखना ये है कि कब तक स्टाफ लेवल मुआहदा जो है IMF से होता है तो क्या सिचुएशन होती है, हुकूमत संभाल पाती है या नहीं संभाल पाती है। ज़िद और अना की भीड़ को मुल्क की मईशत को ऐसे ही चढ़ाता रहने दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना 11:00 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर।